करीब दो साल बाद आज से कॉलेजों को पढ़ाई के लिए फिर से खोला गया। कॉलेजों में पहुंचे छात्र इस बात से उत्साहित हैं कि उन्हें फिर से कॉलेज में पढ़ाई का मौका मिल रहा है। नई शिक्षा नीति को लेकर आज से अशोक नगर महाविद्यालय में सेमिनार का भी आयोजन किया गया है। आज से मध्य प्रदेश भर के उच्च शिक्षा विभाग के जो कॉलेज हैं उनमें पढ़ाई शुरू होने वाली है। तमाम सारे दिशा निर्देश और कई सारी शर्तों के साथ आज से कॉलेजों को शुरू करने की बात कही गई है। हम खड़े हैं इस समय अशोकनगर के नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में और यहाँ भी दो साल बाद आज फिर से जो है कक्षाएँ लगने का काम शुरू होने वाले हैं। हमारे साथ में कुछ विद्यार्थी भी सुबह सुबह पहुँच चुके हैं, साथ ही इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर रेणु राजेश वो भी हमारे बीच में है। प्रिंसिपल मैम, आज से जो है मध्य प्रदेश भर में कॉलेज खुल रहे हैं, अशोकनगर में भी है, तो किस तरह की तैयारियाँ यहाँ की जा रही हैं? जो हमें राज्य शासन से हमें उच्च शिक्षा विभाग से जितने भी निर्देश हमको प्राप्त हुए थे उसके हिसाब से हमने सारी अपनी तैयारी करनी है। हमारे जो एंट्रेंस गेट है उस पर हमारी सैनिटाइजर मशीन लगी हुई है। बच्चे अंदर एंटर करेंगे तो पहले वो अपने हैंड सैनिटाइज करेंगे। मास्क के बगैर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मास्क यदि कोई नहीं है किसी के पास तो हमने उसकी भी व्यवस्था करी है, हम मास्क प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। फिर हमारे पास जो टेम्परेचर नापने की मशीन है उससे हम रैंडमली टेम्परेचर भी नापेंगे स्टूडेंट्स का जो भी एंटर कर रहा है, जिससे कि यदि कहीं भी कोई खतरे का संकेत मिलता है तो हम उसे वहीं पर निपटा सकें। जगह जगह पर हमने फ्लैक्स बैनर लगाए हैं बच्चों को जागरूक करने के लिए कि आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि शासन से हमें प्राप्त हुआ है निर्देश, वो ये कि बच्चे अपना घोषणा पत्र देंगे, अपने अभिभावक का सहमति पत्र देंगे और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देंगे, तभी उनको कॉलेज में ऑफलाइन कक्षाओं में बैठने की अनुमति। अच्छा, ऑफलाइन जो नहीं है उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए ऑनलाइन चलेंगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलेंगी। ऑफलाइन की समय सारणी अलग से रहेगी, ऑनलाइन की समय सारणी अलग से रहेगी। ऑफलाइन में ये ऊपर की जो तीनों चीज़ें हमें दे देंगे वो तो ऑफलाइन में आ सकते हैं, बाकी सारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन से। तो इसके लिए क्योंकि नई शिक्षा नीति भी आज इस वर्ष से शुरू होने वाली है तो उसको लेकर भी कुछ स्पेशल कार्यक्रम। नई शिक्षा नीति के संबंध में बैनर्स तो लगा दिए हमने, लेकिन आज से लेकर और 25 तारीख तक लगातार रोज हम लोग की टीमें बन गई हैं। वो टीम हमारी बच्चों को जागरूक करेंगी नई शिक्षा नीति के संबंध में कि जो सिलेबस फर्स्ट ईयर का नया आया है उसमें कैसे उनको अपने सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना है, मेजर माइनर व्यवसायिक कोर्स तो लेना है, इलेक्टिव कोर्स तो लेना है, इंटर्नशिप तो लेना है, उसके बारे में सारे दिशा निर्देश बच्चों को दिए जाएंगे। दो साल बाद फिर से कॉलेज खुल रहे हैं तो कौन सी क्लास के छात्र हो आप? जी हमें फर्स्ट ईयर में आप आ रहे हैं तो क्या उत्साह है, बहुत दिनों बाद स्कूल आपने पूरे से संबंधित हमें बहुत खुशी हो रही है कि दो साल बाद हमारा कॉलेज फिर से शुरू होने जा रहा है। जी हम केवल पूरी सावधानी के साथ अपनी वैक्सीनेशन करवाने के बाद ही कॉलेज आए हैं सर। जी आप लोगों का वैक्सीनेशन हो गया? जी सर। हमारे साथ में कुछ फाइनल ईयर की भी जो है स्टूडेंट हैं, आप लोग फाइनल में पहुंच गई है तो 2019 में आखिरी बार कॉलेज आए जिसके बाद पूरा एक डेढ़ दो साल ऐसे ही रहे, तो नया सत्र शुरू हो रहा है उसको लेकर कितना उत्साह है? अच्छा, अभी तक जो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी तो आपको लगता है क्लास शुरू होने से वो सब चीज़ें शुरू हो पाएंगी दोबारा? हाँ हो पाएंगी सर, क्लास अटेंड करेंगे तो। जी तो आज कुछ खास तैयारी है क्लास में लेने के लिए आप लोगों की? हाँ क्लास लेने के लिए आए हैं लोग। जी और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम फिर से क्लास ले रहे हैं। तो आखिरी बार कब क्लास ली थी आप लोगों ने? सर वो